हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हमने एक हफ्ते की मलाई ली है और इसे हम पराठे भी मज़ेदार बनाएंगे। देखिए, पहले हम इस मलाई से हम इसका घी निकालेंगे। उसके लिए हमने देखिए एक हफ्ते की मलाई लिया है और उसे अच्छे से बीटर के थ्रू या विस्कर के थ्रू अच्छे से फेंट लेंगे। तब तक इसको बीट करेंगे जब तक कि इसका बटर और इसका मिल्क अलग ना हो जाए। देखिए, हमारा ये बटर सेपरेट हो गया है इस मिल्क से। अब इसमें हमें 3 गुना पानी डालना है। पानी डाल के इसे अच्छे से फिर से विस्क कर रही हूँ मैं। विस्क करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसका बटर मिल्क रेडी हो गया है। बटर ऊपर आ गया है और इसका जो मिल्क है नीचे हो गया। इसी को बटर मिल्क बोलते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमारे बॉडी को बहुत ही कूल रखता है। फिर हमने इस बटर को इस मिल्क से अलग कर लिया है। इसे साफ पानी से एक बार और अच्छे से क्लीन कर लेना है। देखिए, हमारा फ्रेंड्स होममेड बटर तैयार हो गया। इसमें हम सॉल्ट मिलाकर ब्रेड में लगाकर आराम से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हमें इसे गैस पे चढ़ा देना है पकने के लिए, और ये इसे कंटिन्यूस आपको चलाते रहना है कि इसके तले पर ये चिपके ना। जब ये घी इस तरह का पकते पकते इस स्टेज पे आ जाता है, तो इस पे हमने तुलसी की पत्तियाँ डाली हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है तुलसी की पत्ती डालने से। ये हमारा आयुर्वेद के अनुसार तुलसी की पत्ती या करी लीव्स आप डालिए, इससे आपके हेल्थ में बहुत ही अच्छा होता है और इससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्याएँ नहीं आती हैं। फ्रेंड्स, इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरह का जब ये लाल हो जाए तो गैस को ऑफ कर देना है, क्योंकि हमने आयरन की कढ़ाई ली है। आयरन की कढ़ाई बहुत लंबे समय तक गर्म रहती है, नहीं तो अगर हम इसे गैस को ऑन रखेंगे तो ये हमारा घी जल जाएगा। इसलिए हमें इसे ऑफ कर देना है। फिर इसे ठंडा करके उसे छान लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस घी को हमने छान लिया है। छानने के बाद जो हमारा ऊपर जो लेफ्ट ओवर बचा हुआ है, उससे हम बहुत मज़ेदार पराठे बनाएंगे और जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब इसे घी को इस कांच की बोतल में भर के दिखाएंगी मैं कि देखिए हमारा 1 वीक का घी कितना निकलता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जार पूरा भर गया है और थोड़ा सा बच भी गया है घी। अगर आप इसी तरीके से घी निकालेंगे तो आपका इसी तरह ढेर सारा घी निकलेगा। अब इस बैटर से हमें पराठे बनाने हैं। उसके लिए हमने ये जो लिया है बैटर, जो हमारा घी में निकला था, फिर हमने अनियन लिया, चॉप अनियन, चॉप चिली, जीरा, अजवाइन, रेड चिली पाउडर और हल्दी, इन सभी को अच्छे से मिला लेना है। इस टाइप का बैटर रेडी हो जाएगा। फिर हमने आटा अलग से गूथा हुआ है, में नमक और अजवाइन डालकर उसे अच्छे से गूथ लिया है। अब इस गूथे हुए आटे में हमें इस बैटर को भरना है। भरने के बाद इसे अच्छे से बेल कर इसे तावे पे सेक लेना है। देखिए, इस पराठे को हमने घी लगाकर अच्छे से सेका है।
ये आप ब्रेकफास्ट, स्नैक्स और लंच में भी बना सकते हैं। ये पराठा बहुत ही हेल्दी पराठा है और आप खाइए और इन्जॉय कीजिए। इसे कर्ड के साथ और भी टेस्टी लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।